एवरीवन, आप लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज मैं क्या सिखाने वाली हूँ। तो मैं आपको फिर बता दूँ कि आज मैं आपको कमर चलाना सिखाऊंगी। तो आप लोग एक चीज याद रखिए, जो लोग हेल्थी भी हैं एंड पतले हैं, तो पतले तो कर ही लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर लड़की हो, हर लेडीज हो कि जो पतले होते हैं वो स्टेप कर ही लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी को नहीं आता, किसी को आता है, बट हेल्थी लोग स्पेशली ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। उनको क्या लगता है, यार मेरा मूड तो बहुत है कि मैं भी डांस करूँ। आई थिंक जैसे कि बोला जाता है कि बुलावा, तो बुलावे में जब जाते हैं तब भी आप लोगों का बहुत मन करता है कि कुछ तो ऐसा कर दे, थोड़ा बहुत डांस भी कमर मर चला दे जो इंसर्ट ना हो, है ना। और आज के टाइमिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि डांस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। तो क्या करना है आपको, कमर सबसे पहले कमर चलाना सीख लो। आप स्लोली स्लोली, आप सबसे पहले आप, मैं आपको बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं, ठीक है। और जिन्होंने कर रखा है कोई बात नहीं, आप सेकंड स्टेप क्या रखें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। वन बाई वन वीडियोज आएंगे और आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और बहुत ईजी स्टेप है, आपने ये स्टेप स्टार्ट कर दिए, बहुत अच्छे से आपको डांस आगे सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कमर बेसिकली हम लोग कैसे चलाएंगे। So let's get start. Okay? तो फर्स्टली कमर आप थोड़ा कस के पकड़ लो। कस के का मतलब ये नहीं कि यूं पकड़ लो, आप दोनों हाथों को कमर पर रखिए, ठीक है। अब ये फुट इस टाइप से आपको रखना है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना मेरे पैर, बताना कैमरा मैन से दिख रहा है ना, ठीक है। आप लोग स्टार्ट हो जाइए, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, ठीक है। स्पेशली मैं मतलब हेल्दी लोगों से बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपना मन बना लीजिए किस तरह हो गया, डेबिट नहीं कर सोगे आप, तो फर्स्टली इस टाइप से करना, ठीक है। अब पैर हम यही वाला उठाएंगे, इसको हम टच करके ही रखेंगे, ऐसे किया और ऐसे किया, ठीक है। ये देखो वन, क्या करना है आपको, अपना ये पंजा मारना है, आपको हील के साथ नहीं मारना, ठीक है, वो बना रहे कोई करने का ये कांटा चुबा स्टेप बता रहे टू, नहीं आ देती कांटा चुबा, सही है टू, यही आपको पंजा आगे हील करना है एंड देन पीछे करना है, ठीक है। और साथ में यू कमर हिट करनी है, कैसे, ये नहीं कि ऐसे, तो पहले आप पैरों को चलाओ ऐसे आगे पीछे, ये देखो आगे सिंपल सा है, मैं आपको बस पैर उठाना सिखा रही हूँ, बिल्कुल सिंपल हो गई, ठीक है। अब इसी के साथ कमर को हिट करिए, ये देखो वन, ये बिल्कुल ऐसी रहेगी, थोड़ा प्रेशर पड़ता है, टाइट हो जाती है, बट ये हमें लूज रखनी है, यू देखो जब हम ये जंप करेंगे ऐसे, आई मीन टू से पैर को हम जब पुश करेंगे, ये देखो स्ट्रेट हुआ। अब ऐसे ही जब हम पीछे मतलब फ्लोर को टच करेंगे तब हमें कमर हिट करनी है ऐसे, ये देखो टू वन टू वन टू, क्लियर है इतना, यही आप अगेन अगेन करो, हाँ। अब सेकेंडली ये मैंने आपको बताया स्टेप से आगे कमर चलानी, जो नॉर्मली हम लोग स्टेप करते हैं हाथों के मूव्स, यू हाथों के मूव्स के साथ करते हैं ना आप लोग, लेडीज लोग करती हैं, वही आप सीखो। आप कहीं पे बुलावे में भी कर सकते हो एंड किसी पे भी करते हो, क्योंकि लेडीज है जो मतलब एज वाली होती है ना, अब वो तो एकदम से ये तो डांस वो करेंगी नहीं ना, तो ये स्टेप कोई भी कर सकता है, स्पेशली उनके लिए और है जो मतलब स्टार्टिंग है उनके, ठीक है। ये देखो वन टू, क्लियर हो गया स्टेप, ध्यान रखना। एंड सेकंड स्टेप कमर का क्या चलाने का है, जब आप लहंगा पहने हो, स्पेशली लहंगा किसी पे कर सकते हो, मैंने पहले ही बोल दिया है, बट मैं आपको स्टाइल बता रही हूँ कि लहंगा में जब ये स्टेप करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो कमर को सर्किल में हम कैसे चलाएंगे, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, कमर चलाते वक्त हमें सर्किल कैसे लेना है ये बहुत डिफिकल्ट है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। क्या करना है, कमर पे हाथ रखिए, फिर से वो आपकी जो मूवमेंट है हाथ के वो आप करना, फिलहाल मैं जो अभी बता रही हूँ कि ऐसे रख के कमर में बता रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, पंजे को न्यू ऐसा समझो कि आप अपने शोल को देख रहे हो, ठीक है, तुरंत जस्ट पैर को देखना है, वन कांटा लग गया टू, फिर हिट करना है कमर को,
1 2 ठीक है, ये देखो ऐसे ही करते आपको सर्किल लेना, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल है। एक सेकंड बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज इग्नोर कर देना आप लोग, ठीक है। फिर देखो, फिर से मैं कर रही हूँ 1 2 और ये जो दूसरा पैर है ऐसे करके ऐसे 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 सर्किल लेगा, ये नहीं हटेगा, वो बड़ा जिद्दी है क्योंकि उसका रोल ही यही है, ठीक है। अब देखो ये मैंने आगे रखा, आगे ही रखना आपको 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ठीक है। और जब जैसे ड्रेसेस पहने, कहीं एंगेजमेंट है या कुछ भी है, ये लहंगा पकड़ो, ये देखो आप दूसरा पैर दिखा, कैमरा मैन दूसरा पैर दिखा, हाँ देखा ठीक है, ये देखो और कमर एकदम हिट करके, ठीक है, ऐसे और पीछे ऐसे और ये घूमता जाएगा, क्लियर हो गया ना आपको। इसके साथ आपको क्या करना, हाथ का मूवमेंट देखिए बेस्ट लगेगा, ठीक है, कैसे ऐसे, जब ये पीछे आएगा तो हाथ भी पीछे करना है, कैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 समझ में आ रहा है ना। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, देख रहे हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल हो रही है लाइक करिए, एंड देन बताइए कि कितने हद तक आपको समझ में आ रहा है। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स लेके आऊंगी, फिलहाल मैं भी सोच रही हूँ कि कमर चलाना ही सिखाऊं, मैं 2-3 वीडियो कमर की ही लेके आऊंगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया इस स्टेप से, वीडियो आपने टाइमिंग बताते जाओ 6 क्योंकि मुझे वीडियो लेंथ ही नहीं करनी है, 7 मिनट हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, पहले फर्स्ट स्टेप बता दूं एंड सेकंड बता दूं, फिर मैं कमर के जो स्टेप है मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत लेके आ रही हूँ, ये वीडियो लेंथ ही हो जा रही है, ओके। तो अभी इसमें आपको बता दूं कैसे, पहला क्या बताया था 1 2 पंजे से हिट करना है फ्लोर को, 1 2 1 2 और ये चला के 1 2 1 2 और नेक्स्ट क्या बताया था आपको 1 2 1 2 1 2 समझ में आ गया ना। तो वीडियो लेंथी ना हो और ज्यादा स्टेप मैंने आपको बता दिए तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो चलिए म्यूजिक पे करते हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल, अच्छा लगा ना। आप किसी भी सॉन्ग में ये स्टेप ऐड कर सकती हो, और तो और सबसे स्पेशलिटी क्या है, आप ढोलक के गानों में भी ये ऐड कर सकते हो एंड म्यूजिक पर भी, ठीक है। तो याद रखिए 1 हिट करना है इसको, ये नहीं कि ऐसे ऐसे करना, बहुत गंदा लगेगा आपने ऐसे ऐसे कर दिया, तो बस 1 2 जितने अच्छे से आप कमर चला लो, ठीक है। और ये बड़ा ये पंजा निकलना चाहिए जब आप पहनते हो ना, तो एक चीज आपको बताऊं, जब आप ऐसे करते वाले स्टेप तो आपने देखा होगा कि लहंगा वगैरह बड़ा बड़ा घेर वाला होता है, और कभी कभी साड़ी भी ऐसी होती है, इतनी सारी प्लेट्स होते हैं जब हम डांस करते हैं तो पैरों में उलझ जाती है, तो कहीं ना कहीं भी गिरने का डर होता है। तो ये कमर आप ज़्यादा चलाइए, इससे क्या होता है कि हमारी साड़ी निकल जाती है अच्छे से, मतलब हमें पैर घुमाने का स्पेस मिल जाता है, क्योंकि मैंने ये आइडिया यूज़ किया है, ठीक है। ध्यान रखना जब यू करोगे तो अपने आप आपका जो ड्रेसेस है स्पेस ले लेगा, ठीक है, ओके। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज अगेन बोलूंगी, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वेट करिए कमर की एक और वीडियो आने वाली है, अभी कंटिन्यू मैं आपको 2-3 वीडियो देखती रहूंगी और साथ में हाथ के मूव्स भी बताती रहूंगी। तो ये आपको मैंने बताई थी कि ये कमर के साथ अभी चलाना स्टार्ट कराया था, ठीक है, तो कमर के साथ में हाथ के मूव्स भी दूंगी, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।